Produced by Sajid Nadiadwala and directed by Sajid Khan, the whole cast and crew of Houseful 2 recently unveiled the first look of the movie. Present at the press meet were lead actors Akshay Kumar, John Abraham and actresses Jacqueline Fernandez, Zareen Khan and Shahzan Padamsi. Rishi Kapoor and Randeer Kapoor, who play fathers in the movie, were also present. However, Shreyas Talpade, Ritesh Deshmukh, Asin, Midhun Chakraborty and Boman Irani, who are also part of the multi-star film, were kept out of the promotional event. Farah Khan, Sajid's sister, was also spotted at the event. Nonetheless, here is what the stars have to say about the film. I really wasn't sure whether I'd be able to carry off that level of comic film, but I think Sajid surprised me and I've surprised myself, and it's been great working with the entire cast. स्पीच एक बहुत ही बेकार सी एक चीज़ होती है. आई थिंक स्पीच जो होनी चाहिए वो एक इट शुड बी जस्ट लाइक अ मिनी स्कर्ट, जितनी कम हो उतनी अच्छी. थैंक यू वेरी मच. वेरी मेनी मेनी इयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव द प्रिविलेज टू वर्क विद माय यंगर ब्रदर एंड अ ग्रेट आर्टिस्ट लाइक ऋषि कपूर. टुडे इज रियली अ बिग स्टेप फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज ब्रांड लाइक हाउसफुल 2. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. यू नो दैट डे आई गॉट द फोन कॉल टू बी पार्ट ऑफ हाउसफुल 2, आई ऑनेस्टली थॉट यू गाइस वुड पुल माय लेग. आई थॉट दैट इट वाज जस्ट यू नो बीइंग अ प्रैंकस्टर. आई नेवर रियलाइज्ड दैट मेकिंग अ मूवी कुड बी सो मच फन. द होल शूटिंग एक्सपीरियंस वाज मोर लाइक हॉलीडेइंग देन वर्क, एंड फन एक्सपीरियंस एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू. हम दोनों बाकी में दोनों भाई भी बने हुए हैं और दोनों फिल्म में झगड़ भी रहे हैं और हमारा नाम भी डब्बू और चिट्टू है. मैं बहुत सी पिक्चरें कर चुका हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो मजा आता है और उनमें से एक फिल्म ये है. फॉर मी विल ऑलवेज बी माय यंगर ब्रदर. और मैं जब सोचती हूँ कि मैं कोरियोग्राफी से रिटायर हो जाऊँ, ये दोनों मुझे राखी के दिन बुलवा के डेटे ले लेते हैं. इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स को असेंबल करने में साजिद नडियाडवाला का बहुत बड़ा हाथ था, मेरा हाथ था, और प्लस एक्टर्स को ये फिल्म करनी थी बिकॉज एवरीबॉडी हैज अ ग्रेट पार्ट. तो बहुत तकलीफ जहाँ पे फिल्म बनाने के लिए थी उतनी तकलीफ नहीं आई जितनी आ सकती थी, क्योंकि इस तरह की फिल्म अगर दो या तीन एक्टर्स की जमे नहीं तो डिले हो सकती है दो ढाई साल तक, और ये पिक्चर 71 डेज में कंप्लीट हुई.